हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ साबुदाने से पकौड़े बनाने। तो देख सकते हैं साबुदाने 2-3 घंटे के लिए फुला के रख दिए थे पानी भिगो कर, तो अच्छी तरह से फूल गया है और मैश भी हो जा रहा है। और इसके साथ आधा पीस लिए हैं हाफ, और हाफ इसी तरह रखे हैं खड़ा ही, ताकि अच्छा दोनों मिक्स हो जाए और अच्छे बने। और यहीं पे आलू को खींच कर और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। इसको भी मैं डाल दे रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और यहीं पे बादाम था, बादाम भी भूज कर इसको मिक्सर में जार में चला लिए हैं, इसको भी डाल दे रहे हैं। और साथ में यहीं पे जाएगा सेंधा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हल्का सा। और यहीं पर जाएगा अदरक, अदरक क्रश कर लिए हैं, और 2 हरी मिर्च है, और साथ में धनिया पत्ता। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अच्छी तरह से पूरे सब्जी मिक्स हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो बनाने के प्रोसेस में दिखाते हैं फिर आपको। और फ्रेंड्स साथ में चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिए हैं धनिया पत्ता, देख सकते हैं आप लोग, 2 हरी मिर्च है, और अदरक है 2 टुकड़ा, और साथ में हल्का सा जीरा ले लेंगे। और यहीं पे मैं आधा नींबू का रस ले लिया, देख सकते हैं आप लोग। अब इसको पीस लेते हैं, और साथ में सेंधा नमक ले लिए हैं, अब पीस लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिए, देख सकते हैं आप लोग। अब यहीं पे मैं डाल रहे हैं। एक तरफ सीख गया है, इसको पलट लेते हैं। तो इसको पलट लिए हैं, दूसरे तरफ सीख लेते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं साबुदाना के पकौड़े बन के तैयार है। आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना अंदर से नरम और ऊपर से कुरकुरे है, देख सकते हैं आवाज। तो बिल्कुल आप लोग बनाइएगा और नवरात्रि में जरूर खाइएगा, हेल्दी और भूख भी नहीं लगेगा जल्दी आपको, इसलिए जरूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फाइनली मेरा साबुदाना के पकौड़े बनके तैयार हैं, और साथ में चटनी। तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय।